हेलो दोस्तों, नमस्कार जी। सिंथ म्यूजिका इंस्ट्रूमेंट लर्निंग सेंटर नागपुर में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज बहुत ही बढ़िया दिन है, अक्षय तृतीया। हिंदू मान्यता के अनुसार आज का मुहूर्त सबसे बढ़िया होता है, 3.5 मुहूर्त बोलते हैं इसको। और इस मुहूर्त में हम कोई भी काम अच्छा करेंगे तो वो अच्छा ही होगा। इसलिए दोस्तों, आज मैंने आपके लिए लेके आया सॉन्ग एक बढ़िया, वो है रामायण का। ये सॉन्ग आप सुनते हैं सर। तो ये सॉन्ग अब मुझे आपको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सॉन्ग आपको आज मैं सिखाने वाला हूं बहुत ही इजी तरीके से, और बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग डायरेक्ट शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, आप इसको लिख लीजिए, मैं आपके बीच में से हट जाता हूं। ये लीजिए, मैं हट गया हूं। अब इसे आप पॉज करके नोट कर लीजिए, लेकिन ऐसा मत कीजिए कि अब सर का काम खत्म हो गया, मैं खुद ही बजा दूंगा। क्योंकि इसके अंदर मैं बहुत सारी चीजें ऐसी बताने वाला हूं जो आपको ऐसे लिखने से समझ में नहीं आएगी, वो आपको उसके सुनना पड़ेगा। तो आप वीडियो को देखते रहिए और बताइए मुझे कि ये कैसा लग रहा है आपको, ठीक। तो ये अद्भुत है महिमा, मैं आपको सुना देता हूं, पहले सुनने के बाद में आपको ज्यादा क्लैरिटी आएगी। तो आपको ये पता है मेरे पास कौन सी फ्लूट है? सी, नेचुरल मिडिल स्केल की ही फ्लूट है। सीखने के लिए सबसे बेस्ट फ्लूट है, सबसे पहली फ्लूट यदि कोई लेना है आपको तो सी स्केल की लेना है। मैंने सभी लोगों को बताया हुआ है कि सी स्केल की फ्लूट से सीखना शुरू करना है हमको। बहुत सारे स्टूडेंट यही पूछते हैं कि सर कौन सी फ्लूट ले, कहाँ से ले, कैसे ले, वो मैं आपको वीडियो बना चुका हूँ। और आपको क्या करना है, मेरे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देखना है, बहुत सारी प्लेलिस्ट मैंने बना के रखी हुई है, वहां पे आपको और समझ में आएगा कि हमको कौन से वीडियो देखना चाहिए, ठीक है। और प्लेलिस्ट कहाँ पे होती है मैं आज आपको एक बार बता ही देता हूँ। एक्चुअली बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि सर आपका हमको वीडियो नहीं दिखता। वीडियो यदि आपको देखना है तो आपको क्या करना है, ऐसा मेरा यूट्यूब चैनल आएगा, ये मेरा चैनल दिख रहा है आपको, यहाँ पे ऐसा क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद में आपको ये देखो यहाँ पर होम दिख रहा है, होम वीडियो, यहाँ वीडियो करोगे आप तो यहाँ पर लाइन से मेरे पूरे वीडियो आ जाएंगे, ये एक चीज़ हो गई। और यदि आपको ऐसा इसको आगे करना है, ये प्लेलिस्ट दी हुई है, तो अब मेरी आपको यहाँ पर प्लेलिस्ट दिखेगी। देखो यहाँ पर खूब सारी प्लेलिस्ट बना के रखी है मैंने आपको, तो ये प्लेलिस्ट जब आप देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि आपको क्या सीखना है, कैसे सीखना है। यदि आप मेरे कवर्स देखना चाहते हो तो मेरे कवर्स भी आपको यहाँ पर दिखेंगे, ठीक है। यहाँ लिखा है फ्लूट कवर, है ना। यदि आपको भक्ति संगीत सीखना है तो भक्ति संगीत दिखेगा, पियानो सीखना है तो पियानो दिखेगा। मैं पियानो भी सिखाऊंगा, गिटार भी सिखाऊंगा, थाट सिखाऊंगा, राग सिखाऊंगा, सब कुछ सिखाऊंगा। आप ये प्लेलिस्ट जरूर देखिएगा, ठीक है। तो चलिए आइए हम शुरू करते हैं, सुन लेते पहले। बिल्कुल देखिए क्या लिखा है, ध प ध ध ध रे 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 सा। अब कैसे बजाएं, ध प ध, ध प ध नहीं बजाना है, ऐसा बजाओगे तो सिंपल लगेगा। तो उसको कैसे करना है, ये कहलाती है मुर्गी। यदि आपको मुर्गी सीखना है तो उसके भी वीडियो मैं आपको दूंगा, ठीक है। या फिर सिंपल अगर, अब ये धरे है, धरे मतलब डायरेक्ट धरे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है, तो सिंपल रहेगा। अभी थोड़ा सा टेक्निक के साथ सीखते हैं हम, इसमें मींड लाते हैं, ध से लेके डायरेक्ट रे लेके जाते हैं, तो सुनने में बहुत अच्छा लगेगा। देखिए ठीक है, ध प ध प ध ध रे 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 सा, रे से सा पे भी मींड लाई है ना। सिंपल बजाएंगे तो दो अक्षर के नाम के सारे साधा पौधा मामा पा मगरे। अब देखिए कैसे बजेगा,
अब ये ध यहां सिंपल देखा तो कैसे बजेगा सिंपल टा। अब इसको टेक्निक से बजाना तो ये ध की जगह आपको क्या बजाना है धनी ध, मतलब खटका मारना पड़ेगा आपको। कैसे खटका मारेंगे धनी ध का, ऐसा साउंड आएगा। फिर से देखिए मम प म ग रे, है ना सिंपल बजाओगे तो कैसा लगेगा, ठीक है। तो आप पहले सिंपल बजाइए इसको, इसका एक बेसिक स्ट्रक्चर तैयार कर लीजिए, उसके बाद में उसको फिनिशिंग करना तो भी आपको इजी लगेगा। तो यहां तक पहुंच गए हम दो अक्षर के नाम की, तो पूरा समझ देता हूं। और हाँ एक चीज आपको एक काम ये भी करना है कि आपको ये पहले सॉन्ग सुन लेना है, उसके बाद आपको इसको पार्ट पार्ट करके बजाना है। एक साथ बजाओगे ना पूरा तो आपको भी समझ भी नहीं आएगा। तो जैसे मैं आपको सिखा रहा हूँ एक एक लाइन एक एक पार्ट, वैसे आप बजाएंगे तो जल्दी और अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ मैंने देखो ये रेगरे सा लिखा है ना, तो यहाँ इसके बदले में हम रेगरे सा बजा सकते हैं, मीन्स मुर्की बजा सकते हैं, ये भी ध्यान रखना है आपको। अभी आगे चलते हैं, सुनो राम कथा, तो रे धा 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 पा मामा। अब ये प के ऊपर मैंने कण लिखा है, कण मतलब टैपिंग होती है, देखो है ना, मैंने क्या किया प पे एक बार टैप किया है, यानी कि कण सुर है, देखिए है ना, ये दो बार म ना बजाते, एक बार भी म बजा सकते हैं तो भी चलेगा। देखिए नोटेशन हम कभी भी बदल सकते हैं, नोटेशन ऐसा नहीं है कि मैंने जो लिख के दे दिया वही फाइनल है, ये नोटेशन पूरे बदल के मैंने इसको बेस मान के इसमें मैं बहुत सारे एडिशन कर सकता हूँ, लेकिन चूंकि आपको मुझे सिखाना धीरे धीरे अच्छे तरीके से, ताकि आपको ये बजाने के बाद वो ट्यून समझ में आए, इसलिए मैं थोड़ा इजी मेथड में लिखता हूँ, ये आपके लिए स्पेशल मैंने बजाया है। तो सुनो राम कथा, प पे कण मारना है, मींस टाइपिंग करनी, देखो है ना अच्छा लगा ना, और सिंपल कैसा था, ऐसे सिंपल होगा उसको और अच्छी तरीके से कैसे बजाएंगे, ये फिर आपके ऊपर है कि आप कैसे सीखते हो या आपको कौन कैसे सिखाता है, इस पर डिपेंड करता है। अब जय बोलो श्री राम की, ये भी सिंपल है, ये भी टैपिंग है ना, जय बोलो समझ गया, बहुत ही आसान है ये, इसको आप सीखिए मुझे बताइए। इसके बाद मैं आपको एक और बताने वाला हूं, वो है राम कथा क्या ऐसी कुछ, तो भी इसी ट्यून पे आधारित दूसरा भी एक भजन है ऐसा ही न्यू रामायण का, वो भी मैं आपको सिखाने वाला हूँ। यदि आपको ऐसा लगता है कि मैं वो सिखाऊं तो आप मुझे बताइए कमेंट करके इस वाले वीडियो में कि मुझे हमको वो भी सीखना है, तो मैं आपको वो सिखाऊंगा। और दोस्तों मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ लास्ट में, जो मेरा वीडियो देख रहे हैं उनके लिए बोनस पॉइंट है। यदि आप फ्लूट सीख रहे हो और फ्लूट आपको सीखते सीखते एक समय हो गया हो, तो उसके बाद आप क्या कीजिए, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप पियानो या कीबोर्ड जरूर सीखिए, क्योंकि पियानो या कीबोर्ड सीखने से क्या होता है, फ्लूट का और म्यूजिकल थ्योरी का बहुत बड़ा पार्ट हमको ऑटोमेटिकली आने लगता है। मैं अभी भी क्या करता हूँ, कई चीजें जैसे फ्लूट में नहीं बजाना है मुझे, तो मैं सुनता हूँ कीबोर्ड में उसको फटाक से निकाल लेता हूँ, वहां एकदम तुरंत क्रिस्टल क्लियर चीजें समझती है। तो आपको कुछ ज्यादा खर्चा नहीं लगने वाला है, छोटा सा कीबोर्ड लेना 4000 का, उसमें भी हम सीख सकते हैं कैसे स्केल पकड़ना और वो स्केल को अप्लाई कैसे करना फ्लूट के साथ। यदि इंडियन के साथ वेस्टर्न सीखना है ना आपको, तो आपको मेरे ख्याल से या मेरे अकॉर्डिंग आपको कीबोर्ड पियानो जरूर 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 सीखना चाहिए, ताकि आपकी आने वाली जो मुसीबतें या प्रॉब्लम है कि फ्लूट में जो जो प्रॉब्लम आती है सारी क्लियर हो जाएगी, कि कौन सी फ्लूट कौन से गाने में कब कहाँ कैसे यूज करें, ये सब आपको आ जाएगा। तो यदि आपको पियानो कीबोर्ड भी सीखना, तो आपको मुझसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ कि आप मेरे से पियानो भी सीखो और मुझसे फ्लूट भी सीखो, यदि आपको लगता है तो आप यूट्यूब पे भी सीख सकते हैं, लेकिन वहां नहीं बनता है तो सेकेंड ऑप्शन में आप मुझे चूज कर सकते हो। तो देखिए दोस्तों देखते रहिए, अभी मैं आपको और बहुत सारे गाने सिखाने वाला हूँ। थैंक यू।